आप सभी का सीमा को खाओ सीखो कुछ नया में बहुत बहुत स्वागत है। लॉकडाउन में अगर आपको कुछ बहुत मीठा खाने का मन कर रहा साथ वो अगर हेल्दी भी हो तो फिर इस जरूर ट्राई कीजिए आटे और गुड़ का केक। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, बनाना भी बहुत आसान है, प्रिपरेशन भी टाइम भी बहुत कम लगता है। तो देर न करते हुए हमें स्टार्ट करते हैं आटे और गुड़ का केक। यकीन मानिए आपको बहुत ही पसंद आएगा, अगर वो ड्राई फ्रूट साथ बनाते हैं तो और भी टेस्टी लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आटा गुड़ केक बनाने के लिए हमने आधा कप जो है गुड़ लिया, इसे बारीक बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। या तो आप वैसे कूट करके एक छोटा छोटे टुकड़े कर लीजिए या फिर तो कद्दूकस कर लीजिए। हमने लिया ये आधा कप, इसे हम यहाँ पे डालेंगे 4 चम्मच ऑयल। साथ ही इसमें डालेंगे 3 स्पून दही। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, फिर मिक्स कर लें जब तक कि ये जो है गुड़ अच्छी तरह से पूरा मिक्स नहीं आता है। पूरा इसी तरह अच्छी तरह से चलाते रहेंगे, क्योंकि हमने वैसे बारीक टुकड़े में कट कर दिया लेकिन अभी थोड़े छोटे छोटे टुकड़े दिख रहे हैं, इसलिए हम इसे लगातार अभी ऐसे मिलाते रहेंगे। गुड़ यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अगर आपके पास में गुड़ का पाउडर है तो आप गुड़ का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ध्यान रखें कि गुड़ जो है पूरी तरह जो है दही के सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें 1 कप आटा, मल्टीग्रेन आटा है। यहाँ पे जो जरूरी चीज़ क्या है, इसे जरूर से पहले छान लीजिएगा। मैंने आटा को पहले से छान रखा है, अब हम इसमें मिला देंगे। इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लें यहाँ पे। यहाँ पे हम थोड़ा डाल देंगे इसमें दूध, पहले हम हाफ कप दूध डालेंगे। एक साथ में सारा दूध नहीं मिलाएंगे, बाद में जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उतनी डालेंगे। इसे हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लें। अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। अभी थोड़ी सी और दूध की जरूरत होगी यहाँ पे, तो थोड़ा दूध और डाल दें यहाँ पे। यहाँ पे अच्छी तरह से फेटेंगे। अभी हमने बेकिंग पाउडर नहीं डाला है, बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम नहीं फेटना होता, अभी उसके पहले हम इसे अच्छी तरह से फेट लेंगे। अब यहाँ पे हम डालेंगे इसमें, क्योंकि हमने 1 कप का ही है तो यहाँ पे हम इसमें 1/2 टेबल स्पून डालेंगे हम यहाँ पे बेकिंग पाउडर, और 1/4 डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, और इसी जगह हम इसमें वनीला एसेंस डाल देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको जो भी जो इसका फ्लेवर पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब इसे जो है फिर से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब हम बेकिंग पाउडर डाल देते हैं इसे तो तेज से फिटिंग नहीं, बस इसे हम ई डायरेक्शन में जो है सिर्फ रैप कर देते हैं। इसे कर लेते हैं हम साइड में, और जिस भी बर्तन में हमें बनाना हो इसे पहले हम ऑयलिंग कर हल्का सी कर दें। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगी कि मैंने 1 कप दूध लिया था तो इसमें 1/2 कप दूध जो है यूज़ हुआ है। चारों तरफ अच्छी तरह से ऑयलिंग कर लेते हैं। और आप लगा देंगे इसमें बटर पेपर, लगा देते हैं इसमें बटर पेपर है तो आप वो लगा दें, अदरवाइज जो है इसकी डस्टिंग करते हैं। इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे। बटर पेपर को अच्छे से हम पहले सेट कर लें। सॉल्यूशन को जो है इसके अंदर हम डाल देंगे अच्छी तरह से, पहले यहाँ पर टैप करने से अंदर कोई एयर बबल्स नहीं रहे। इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हैं। यहाँ मैं
बादाम डाल रही हूँ और जो है खरबूजे के बीज डाल रही हूँ। तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो डालिएगा, लेकिन जब हम आटा गुड़ का केक बनाते हैं ना साथ साथ ड्राई फ्रूट कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहे वैसे तो इसमें टूटी फूटी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस बार जो है ड्राई फ्रूट्स में से ही ट्राई कीजिएगा। तो ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं इसके ऊपर और इसे हल्का हल्का सा फिर प्रेस करते हैं। बस ये हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है और हम चलते हैं अपने ओवन की तरफ। एक बात यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगी, अगर आप ओवन बनाना चाहते हो तो मैंने ओवन को प्रीहीट होने छोड़ दिया है, और अगर आप ओवन नहीं बनाना चाहते, ओवन नहीं आपके पास, तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने इसके पहले 2-3 केक बनाया हुआ था, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक जो है शेयर कर दूंगी। तो आप चाहें दोनों तरीके से बना सकते हैं, मैं इसे ओवन बना कर दिखाती हूँ। तो मैं इसे ओवन में डाल देते हैं, इसे ओवन को हमने प्रीहीट कर लिया है 10 मिनट्स के लिए। अब हम इसके अंदर तो आराम से डाल देते हैं क्योंकि काफ़ी गर्म ही है। टेम्परेचर जो हम सेट कर दें तो 170 टेम्परेचर रख लेते हैं और हम रख देते हैं इसे 20 मिनट्स के लिए। बेक मोड हमारा 20 मिनट्स में ये बनकर तैयार हो जाता है। अगर इसी चीज़ को हम कढ़ाई में बनाएंगे तो 35-40 मिनट्स लगते हैं कढ़ाई में बनने में, लेकिन इसमें जो है 20 मिनट्स में बन के तैयार हो जाएगा। केक को हमने ओवन से निकाल लिया था और इसे 10 मिनट अच्छी तरह से हमने ठंडा कर लिया है। अब इसे हम पलट देते हैं, इस डायरेक्ट इस तरह से देंगे। बाहर निकाल दें, इसे हम कट कर लेते हैं। स्टोव भी हल्का सा गर्म है, पूरी अच्छी तरह ठंडा हो जाए तभी काटिएगा इसे, क्योंकि आटा गुड़ के काफ़ी डेलिकेट होता है। मैं भी सब कट करके दिखाती हूँ, अभी कितना सॉफ्ट सा बना हुआ है, देखिए पता चल रहा होगा अभी। तो सारे पीसेस को हम कट कर लेते हैं। हमारा आटा गुड़ केक बनके तैयार है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए अपने बनाने में बहुत ही आसान लगा और खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो अब एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे इसे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब व कमेंट्स करें और बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।